23 सितंबर की सुबह 9:23 पर बुध ग्रह अपनी स्वयं राशि कन्या में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह वाणी बहन मान प्रतिष्ठा का कारक हैं और सभी सुखों को प्रदान करने वाले हैं। बुध ग्रह के अपनी राशि में प्रवेश करने से ज्यादातर राशियों को लाभ मिलेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब बुध ग्रह अपनी राशि में प्रवेश करते हैं तो भद्र योग बनाते हैं। बुध ग्रह के गोचर से किन किन राशियों को लाभ होगा, इसकी और अधिक जानकारी लोकल 18 को हरिद्वार के प्रसिद्ध ज्योतिषी पंडित शशांक शेखर शर्मा ने दी। बुध का गोचर कन्या राशि पर आएगा और 23 सितंबर को लगभग सुबह 9:23 के आसपास आने वाला है। बुध जब स्वराशि में आते हैं तो भद्र योग भी बनता है। भद्र योग किसके लिए बनेगा? जिन राशि से बुध केंद्रगत होगा, अर्थात बुध की कन्या राशि, मिथुन राशि, मीन राशि और धनु राशि, इन चारों राशि वालों के लिए ये भद्र योग बना रहे हैं। बुध कारकत्व तो है वाणी का, बुध कारकत्व है अगर संबंधों में देखें तो बहन का, छोटी बहन का, आपके पिता की बहन अर्थात बुआ का कारक भी बुध हो जाता है। तो बुध इन कारकत्वों से संबंधित आपको एक्टिव करेंगे। अगर हम बात करें इन राशियों की जिसमें भद्र योग बन रहा है, तो इन से रिश्ते आपके मधुर होने के योग है, साथ में आपकी वाणी से आपके काम बनेंगे, अर्थात आपको इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपका इंटरव्यू बन सकता है, आप कहीं किसी एग्जाम में जा रहे हैं जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है तो वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपके लिए शुभ रहने वाला है। तो इन राशियों के लिए भद्र योग शुभ रहेगा, आर्थिक रूप से भी और इनके जो कार्यशैली है, जो कार्य क्षेत्र है उसके लिए भी।